हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि बहुत लोगों का सपना होता है कि कोटा में जेई और नीट जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टी बनने का, तो आज उसके लिए हमारे चैनल पर आईआईटी जोधपुर से 2018 में पास आउट हमारे सीनियर सर हैं मिस्टर अजितेश सर, जो कि इस समय एलन में जेई और नीट की फैकल्टी पर हैं। सो वेलकम अजितेश सर। हाय हाय विवेक। तो सर, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जेई और नीट की कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी बनने के लिए हम लोग अप्लाई कैसे करें? थैंक यू विवेक कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे मौका दिया कि मैं अपने बात रख सकूं, ताकि काफी लोगों का, जैसे तुमने बोला कि सपना होता है और काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे क्या अप्लाई करें, जबकि उनमें काफी काबिलियत भी होती है। वो एक अच्छे टीचर वाली जो भी स्किल है उनके अंदर होती है, लेकिन फिर भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म जो होता है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा कि तुमने मुझे ये मौका दिया कि ताकि मैं सबके सामने अपनी बात रख सकूं। सर, वेलकम सर। सबसे पहले विवेक, इसमें क्या होता है कि दो तरह से यहाँ पे प्रोग्राम होता है। एक होता है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप एकदम फ्रेशर्स हो, मतलब कि आप जस्ट कॉलेज पास आउट करके आप टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हो, ठीक है जी सर, तो उसके लिए एक प्रोग्राम होता है एफटीपी, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जैसे कि मान लो अगर आप वो मैथ्स की फैकल्टी बनना चाहते हो या केमिस्ट्री की, तो आपको पूरा 11 12 का जो भी सिलेबस होगा वो आपको पढ़ के जाना होता है। आपको रिटन टेस्ट में अबाउट 60-70% स्कोर करना पड़ता है, तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है सर। और इंटरव्यू के लिए कॉल के बाद आपको फिर जाना पड़ता है वहां पर इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में बेसिकली ऐसा कुछ है, सच नहीं कि कुछ भी पूछ सकते हैं वो। आप इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ 3-4 फैकल्टी रहेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट का जो भी एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, वो आप प्रेजेंट करो। जी सर। आप फिर जब प्रेजेंट करोगे तो फिर वो आपका वे ऑफ वो डिलीवरिंग पावर देखेंगे कि आप कितने चीजों को कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से जो है प्रेजेंट कर पा रहे हो, है ना। जी सर। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो आपको एनालाइज करेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे उसी टॉपिक से जो आप पढ़ा रहे हो, उसी टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर अगर आप उसको डिफेंड कर ले गए, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो फिर सिलेक्शन हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर, जैसे आपने फॉर्म की बात कही थी, वो फॉर्म सर कहाँ से मिलते हैं? वो फॉर्म वेबसाइट पे आते हैं, वो लगभग, देखो दो तरह का फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम चलाया जाता है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल मंथ तक, अप्रैल या वो मई मंथ तक, चार महीने का होता है, ठीक है, और एक प्रोग्राम चलाया जाता है जून टू दिसंबर। तो जो जनवरी वाला जो प्रोग्राम होता है उसके लिए फॉर्म अक्टूबर नवंबर तक में आ जाता है, वो उसके साइट पे, एलएन की साइट से आ जाएगा, या आप रेजोनेंस के में जाओगे तो रेजोनेंस की साइट से आ सकता है, ठीक है, तो वहां पर जाके आपको पहले अप्लाई कर देना है और एक महीने बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। जी सर। तो बेसिकली अक्टूबर नवंबर वो मंथ में आप चेक कर सकते हो। जैसे सर, आपने अप्लाई करने के बाद रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू की बात कही, तो इसको कैंडिडेट तैयार कैसे करे? जो भी आपका 11 12 का जेई का पोर्शन है ना, बस वही पोर्शन रहता है। इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ कि एक बार तो आप 11 12 का जो भी सिलेबस है उसको देख लीजिए, उसको आप पढ़ लो, और फिर प्रीवियस जो आईआईटी जैसे कोचिंग है, सॉरी आईआईटी जैसा जो एग्जाम है, जेई एग्जाम के प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन आप पूरा थरोली लगा दें, तो उससे आपको क्या हुआ, एक अच्छा पकड़ बन जाएगा, और कुछ क्वेश्चन उसमें से उस टाइप के क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। जी सर। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको पूरा थ्रोली एक बार पढ़ लेना पड़ेगा कि वो जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा पढ़ना है 11 12 का, और फिर प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस 5 ईयर जेई के पेपर लगा लेने चाहिए, एडवांस के भी, मेंस के भी। जी सर, जैसे कि हमारे चैनल पर सर क्वेश्चंस बहुत ऐसे आए कि जो आईआईटीएन स्टूडेंट होते हैं और जो नॉन आईआईटीएन स्टूडेंट होते हैं, उनका सिलेक्शन में क्या डिफरेंस आता है? सबसे पहली बात तो फर्स्ट जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है जी सर। तो जैसे तुमने बोला कि आईआईटीएन नॉन आईआईटीएन, तो अगर एक नॉन आईआईटीएन भी रिटन टेस्ट में अच्छा कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसका उसका सिलेक्शन कॉल लेटर आएगा उसको इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। आईआईटीएन नॉन आईआईटीएन का फर्क उसके बाद देखा जाता है, एक बार जब आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो वहां पर थोड़ा सा आईआईटीएन को प्रेफर किया जाता है, लेकिन रिटन टेस्ट में ही अगर नहीं हो पाया आईआईटीएन का तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, वहीं पर अगर आप नॉन आईआईटीएन होते भी अच्छा स्कोर करते हो तो आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा।
जी सर, जैसे कि बीटेक के स्टूडेंट होते हैं आईआईटी से और एमएससी के स्टूडेंट होते हैं, इसमें भी क्या सिलेक्शन प्रोसेस में कोई डिफरेंस आता है? कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप चाहे आईआईटी से एमएससी करो या किसी आईआईटी से बीटेक करो, आपका जो भी स्टार्टिंग का जो भी पैकेज लगता है वो एकदम इक्वल रहता है, चाहे आप बीटेक करके जा रहे हो आईआईटी से या फिर एमएससी करके जा रहे हो आईआईटी से, एकदम सेम। जी सर, मान लीजिए सिलेक्शन किसी बच्चे का कैंडिडेट का हो जाता है, फिर आगे उसके बाद क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है, कितने दिन का? हाँ, फिर से 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है। वो मैंने जैसे बोला ना कि अगर आपका सिलेक्शन वो जनवरी वाले में हुआ तो जैन फरवरी मार्च अप्रैल 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको पूरे 2 साल का जो भी सिलेबस है उनका, उनके पास अपना अपना मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप मैथ्स की अगर फैकल्टी बनोगे तो मैथ्स की उनके पास 6-7 मॉड्यूल्स रहेंगे, शीट्स होती है ना डीपीपी टाइप की, हर चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन, तो वो पूरा 11th और 12th का आपसे उस 4 महीने में अच्छे से लगवाएंगे। वो आपको पढ़ाएंगे भी, है ना, उनके जो भी टॉप के टीचर्स हैं वहाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो 10 से 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, जो कि टॉप रैंकर्स बैच में पढ़ा रहे हैं, जो कि मतलब हर साल वो जिनके अंडर से रैंक फर्स्ट सेकंड ऐसे लड़के निकलते हैं, तो वो टीचर आपको गाइड करेंगे। और वो आप जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है ना आपके सब्जेक्ट का, उसको वो ऐसा डील करेंगे कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है जब आप इन फ्यूचर कभी रैंकर्स बैच में जब आगे पढ़ाओगे तब। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हेल्प हम लोग को मिल जाता है कि एक एक्सपीरियंस टीचर से हमको मौका मिलता है चीजों को जानने का कि कैसे, हाँ इसको हम लोग ऐसे भी बच्चे को रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि देयर एक्सपीरियंस ना 15 साल से वो इस वो पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बच्चा किस वे में दो तो आसानी से ले लेगा। तो ये एक चीज हम वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे अच्छा होता है कि आपको एक मिल जाता है बना बनाया बोल सकते हो फूड खाने के लिए, कि जो टीचर्स ने डिफरेंट डिफरेंट किताबों को पढ़ के अपना नॉलेज इकट्ठा किया है वो आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही वो बता देंगे। जी सर, टॉपिक जी जैसे कि सर रेजोनेंस हो गई, एलन हो गई, इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है, क्या ये आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं इंटरव्यू के बाद कि आपका सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट? पहले तो आपका वो ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग का रिपोर्ट कार्ड बनता है कि आप ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप हर मंडे जो भी सीट्स जो भी वर्क दिया जा रहा है होमवर्क उसको आप करके ला रहे हो कि नहीं। फिर वीकली आपका प्रेजेंटेशन होता है कि किसी टॉपिक को आपको प्रेजेंट करना होगा टीचर्स के सामने, फिर वो टीचर्स आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसमें कितना अच्छे प्रेजेंट कर रहे हो, कितने अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन को डिफेंड कर ले रहे हो, तो ये सब सारा उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है और उस रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग जो है आपको भेजा जाता है। और 4 महीने के बाद वहाँ पे क्या होता है, 1 महीने का डाउट काउंटर भी रहता है उसमें, कि 1 महीने आपको कोटा में ही डाउट काउंटर पे बैठाया जाएगा, वहाँ पर बच्चे आपसे आके क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप वो बच्चों के क्वेश्चंस को जानने का आपको मौका मिलता है कि बच्चे के दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी चैप्टर से, तो वो एक डाउट काउंटर में वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। जी तो इससे क्या होता है कि जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपको वो सब क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं कि ये इस चैप्टर से बच्चा ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था, तो क्यों ना हम इसको पढ़ाते वक्त ही ये बात बोल दें ताकि जिस बच्चे को डाउट हो उसका डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाए। इस टाइप से काफी हेल्प मिलता है। और जो तुमने बोला कि किसी और सेंटर पर भेज सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों पे डिपेंड करता है, एक तो मतलब आप पे आप खुद पे भी डिपेंड करता है कि आप कोटा में ही रहना चाहते हो या अदर सेंटर पे जाना चाहते हो। हाँ, 70% उनपे होता है कि वो आपको जहाँ भेजेंगे आपको जाना ही पड़ेगा, बट एक ऑप्शन देते हैं कि हाँ अगर आप रहना चाहते हो तो रह भी सकते हो, लेकिन हाँ अगर इनकेस आपको वो अगर कहीं वैकेंसी है उनके उनके पास टीचर नहीं है तो भेजना, तो वो तो आपको जाना ही पड़ेगा, उसमें वो नहीं है। अदर सेंटर से भी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो डाउट काउंटर पे जब बैठोगे आप तो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट उतना नहीं होगा, क्योंकि आप बस डाउट सॉल्व करो। जब आप क्लास लेने लगोगे ना, चाहे कोटा में लो चाहे कहीं भी जाके लो अदर सेंटर पे, जब आप क्लास लेने लगोगे तब आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। जी सर, जैसे कि सर आपने ट्रेनिंग बताई थी उसमें भी क्या वो सैलरी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, जैसे कि जो भी आईआईटीएम्स होते हैं तो एलएन में आपको जब वो मैं गया था तो 45 मिलता था, अभी 50 होगा, मतलब कि अगर आप एक आईआईटी से ग्रेजुएट हो या आईआईटी से एमएससी करके गए हो तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान 50,000 पर मंथ मिलेंगे। अगर आप एनआईटी से हो तो आपको 40,000, 10,000 का फर्क रहता है एनआईटी से हो तो, और अगर आप किसी एनआईटी और आईआईटी से नहीं हो तो आपको 30,000 मिलेंगे। इस टाइप से जो है पैकेज डिसाइड रहता है। और ट्रेनिंग के बाद फिर पेमेंट मिलती होगी सर? वो ट्रेनिंग के बाद एक्चुअली क्या करते हैं लोग कि 4 महीने तक ऐसे ही होता है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी 2-3 महीनों तक ऐसे ही रहता है, मतलब 6 महीने आप मान के चलो, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, फिर वो जब आप क्लास लेने लगोगे ना क्लास लेने लगोगे तो आपका फिर 1 साल बाद वो इंक्रीमेंट अच्छा कर देते हैं, 2-2.5 लाख इंक्रीमेंट हो जाता है, 2 लाख एटलीस्ट 1 साल के बाद।
ओके सर, सर थैंक यू, मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, पर आप अपना एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक इंटरव्यू का रूप आने का। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जिनको ये लोग, मतलब जो भी लोग टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर इस फील्ड में अगर आना चाहते हो, तो एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, वो टीचिंग के प्रति जो पैशन होता है ना, वो आपका होना चाहिए। अगर वो आपका होगा तो ही आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो और बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आप सिर्फ वो मनी ओरिएंटेड होकर इस लाइन में आओगे, तो आप कुछ ही सालों में खुद को ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड पाओगे कि यार बहुत वर्क होता है, मतलब बहुत सारे आपको तकलीफें होंगी फिर अगर आप वो मनी को लेकर सिर्फ आओगे इस फील्ड में। तो मैं उन्हीं लोगों से बोलूंगा कि इस फील्ड को वही लोग चूज करें जिनको वाकई में टीचिंग में इंटरेस्ट है, फिर वो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। जी सर, थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल पर।